सभी को मेरा प्रणाम। अप्पा पब्लिक स्कूल की तरफ से सबको ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम है अंबिका रेड्डी। मैं पहले कक्षा के छात्रों को हिंदी पढ़ाती हूँ। बच्चों, मैंने पहले कक्षा के पिछले कक्षा के पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कविता। कविता में क्या क्या पढ़ाया था? मैंने रंगों के बारे में बताया था आपको। रंग कितने रंग थे वे बच्चों? सात रंग। कितने रंग? सात रंग। आपको पता है ना, मैंने सुंदर कविता भी आपको सिखाया था। कविता में पहले सात रंग कौन से थे? लाल, लाल बोल तो क्या? रेड। पीला बोले तो क्या? येलो। बुरा बोल तो ब्राउन। काला बोल तो ब्लैक। गुलाबी बोले तो पिंक। नारंगी बोल तो ऑरेंज। और बैगनी बोल तो पर्पल। ऐसे सात रंगों के बारे में आपको मैंने बताया था, है ना? और मैंने आपको कविता भी पढ़ाया था। अब आपने कविता घर में पढ़े होंगे ना, उसके बाद मैंने आपको स्वराक्षर के बारे में पढ़ाया था, है ना? स्वराक्षर में कौन सा अक्षर पढ़ाया था? अ आ और ई अक्षर के बारे में पढ़ाया था। अ आ ई हमने सिर्फ अ आ ई तीन अक्षर के बारे में पढ़ा था। हम बड़े ई की तरह जानेंगे, है ना? बड़े ई की तरह पढ़ाऊंगी आपको मैं। स्टैंडिंग लाइन, क और ये पूरा इंग्लिश का अक्षर, इंग्लिश में वर्ड, इंग्लिश का अल्फाबेट में वर्ड आता है ना, उसमें एस आप लिखते हो ना, एस के आकार में उसको लिखना चाहिए। पहले स्टैंडिंग लाइन, बाद में एस लिखकर ऊपर हाफ कर्व, या तो बड़ा क्या हुआ, ये ई हो गया। क्या हो गया? ये ई। अब ई के बारे में, बड़े ई के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ई से ई। ई से ई, ई से ईट। ई से ईट। अ से आ, सॉरी, अ से अनार, अ से अजगर, आ से आईना, ई से इमली, ई से इडली। इतना अच्छा तक मैंने आपको पढ़ाया था। अभी हम ई, बड़े ई के अक्षर में पढ़ाएंगे। ई से ईख, ई से ईट, है ना? ई से ईट, ईख हो गया। अब क्या करना है, इसको नीचे बिंदुओं को आपस में मिलाओ। क्या करना है? पेज नंबर 17 निकालना। कितना? पेज नंबर 17 निकाल कर, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 निकालो और इस अक्षरों को आप बिंदुओं को, यहाँ पे डॉट्स दिया हुआ है ना, इस डॉट्स को आप लोग क्या करना है, इसको जोड़कर अक्षर पूरा करना, है ना? अब से ई से ई, ई से ईट। मैं और एक बार दोहराऊंगी, इस चार अक्षरों को आप भी मेरे साथ पढ़ो। दोहराओ क्या? अभी मेरे साथ पढ़ो। अ से अनार, अ से अजगर, आ से आम, आ से आईना, ई से इमली, ई से इडली, ई से ईट। ये चार अक्षर के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। अब हम नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट ऊ, छोटे ऊ के बारे में पढ़ेंगे। ऊ क्या ये? ऊ बड़ा ऊ क्या है? री। अब हम सिर्फ ऊ के बारे में पढ़ेंगे। ऊ कैसा लिखना है आपको पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद इस अक्षरों के शब्द पढ़ाऊंगा। हाफ क और एक हाफ कर तो हो गया ये
थ्री, इंग्लिश का नंबर रहता ना थ्री, आप लिखते हो ना वैसे को लिखना है। तो ये पूरा क्या हुआ, ऊपर स्वीपिंग लाइन को, इस लाइन को सुनाना है। तो क्या हुआ, ये ऊ हो गया है ना, ऊ ऊ से उपहार, क्या हुआ ये, ऊ से उपहार, उपहार मीन्स गिफ्ट। उसे उपहार, हाँ ऊपर तब बर्थडे पार्टी से थे आपके, आपके जन्मदिन पर क्या करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लाके आपको देते हैं ना। उसके बाद उसे उल्लू, उसे उपहार, उसे उल्लू, उल्लू मतलब क्या, आओ। अब हम ऊ अक्षर के बारे में पढ़ेंगे, बड़े ऊ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हाफ कप और दूसरा हाफ कप, तो हो गया ये थ्री, तीन अक्षर हो गया है ना। बाद में इसको बीच में से आधा हाफ कर लेना इसको, तो हो गया बड़ा ऊ है ना। इसे आप इस अक्षर को आप उच्चारण करते हो, ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ज्यादा समय लेना भी नहीं, इस अक्षर को आप उच्चारण करते वक्त ज्यादा समय लेकर उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि दीर्घ अक्षर है। कौन सा अक्षर ये, दीर्घ अक्षर है, ये ह्रस्व अक्षर है, इसलिए इसको ज्यादा दबाव डालकर आपको अक्षर का उच्चारण करना चाहिए। री अक्षर, ये क्या है, ये री, हाँ री अक्षर। पहले हम ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, हाँ ऊन बोल तो क्या, आप लोग उलन रहते ना घर पे, आपकी माता जी क्या कहते हैं, उलन से स्वेटर वगैरह बुनते हैं और हैट ऑफिस वगैरह बुनते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए आप उपयोग करते हैं है ना, ऊंट। हाँ ऊंट कहाँ रहते हैं, लगातार राजस्थान के इस पर रहते हैं, उसके तर आप क्या कहते हैं, इस पर बैठकर मजे भी करते हो, क्योंकि हॉलीडेज में देखो वहां या देखे आप बहुत सारे ऊंट दिखाई देते हैं, और उसके आप क्या करते हो, पैसे देकर बैठते हो ना ऊंट पर, बैठते ना बच्चों, हाँ ऊंट से ऊंट। री, क्या ये री अक्षर है ना, री से ऋषि, री से क्या है, ऋषि, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, री से ऋषि, री से ऋग्वेद है ना, ऋषि ऋषि से ऋग्वेद, क्या है ऋग्वेद, या फिर ऋग्वेद मतलब क्या है, पुस्तक का नाम है। ऋषि मतलब क्या, आप देखते हो ऋषि बहुत सारे मंदिर में दिखते हैं आपको, ऋषि मुनि और दिखते हैं, देखे ना आप लोग, ऋषि मुनि किस रहते हैं, दाढ़ी बीड़ी छोड़े रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, ऋषि। अब हम क्या करेंगे, इस अक्षरों को और एक बार पढ़ाऊंगी, दोहराना बोल तो क्या, उस अक्षरों को दोहराना हो तो आप मम्मी के साथ बोलना, मीन्स मेरे साथ आप भी दोहराओगे है ना। क्या ये अ, क्या ये अ, इस अक्षर को बढ़ाते हो मतलब बढ़ते हो का ज्यादा समय मत लो और ज्यादा दबाव भी मत डालो, क्या ये अ, बोलो आप लोग भी अ, आ ई ई उ उ री है ना, अ अ आ ई ई उ री है ना। इस अक्षर का आप उच्चारण कैसे करते हैं, मैं कैसे उच्चारण करती हूँ, आप भी मेरे साथ उच्चारण करना चाहिए, आप दोहराओ मीन्स पढ़ो मेरे साथ, आप भी पढ़ने की कोशिश करो। और इस पुस्तक में नेक्स्ट अपने पेज नंबर 17 बोला, पेज नंबर 18 निकालो, पेज नंबर 18 में भी दिया हुआ है, इस सब बिंदुओं को क्या करना है, आप लोग जोड़कर अक्षर पूरा करना है ना। यहाँ पे दिया हुआ है बिंदुओं को आपस में मिलाओ है ना, ऊ ऊ से उपहार, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, री से ऋख्वे, है क्या। अब क्या करना है, घर में पेंसिल रबर
देखकर बैठो, आप उस पे अपना हाथ घुमाओ या लिखो, घुमाकर धीरे धीरे से लिखने की कोशिश करो, है ना। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, ज्यादा हटपट नहीं करना, नीटली लिख के रखना है। समझ में आया बच्चों? अब हम नीचे आएंगे, पूरा अक्षर और एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप भी मेरे साथ दोहराओ। हाँ, स्वर क्या है बच्चों? ये स्वर अक्षर है ना, अ से रू तक। बोलो अपनी, अ से रू तक। अ से अनार, बोलो अ से अनार। अ से अजगर, अ से अजगर। आ से आम, आ से आम। आ से आईना, आ से आईना। छोटी की तरफ ई से इमली, ई से इमली। ई से इडली, ई से इडली। ई से ईख, ई से ईख। ई से ईट, ई से ईट। पेज घुमाओ, पेज नंबर 18 घुमाओ, 18। ऊ से उपहार, ऊ से उपहार। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट। री से ऋषि, री से ऋक्वेद। इस अक्षरों को आप भी घर में दोहराओ और पढ़ने की कोशिश करो। बच्चों पेज नंबर 19 निकालो, क्या पेज नंबर 19? सोचो और करो, क्या करना है पर? सोचो और करो। बोल तो क्या मैच द फॉलोइंग, चित्र पहचान। सोचो मीन्स क्या, आप थिंक करो, थिंक करके उस अक्षरों को आप जोड़कर जोड़ने की कोशिश करो। अब देखो ये कर रही हूँ, आप भी करो। पेज नंबर 19 निकालो, मैं पेन लिख रही हूँ। चित्र चित्र पहचानो, और चित्र पहचानो और उनकी उनकी पहली पहली आवाज, पहली आवाज से मिलाओ, पहली आवाज से मिलाओ। पहली आवाज बन तो पहला अक्षर से मिलाओ, उस चित्र का उच्चारण करो और उस अक्षर को पहचानो और उसको आप जोड़ो, मीन्स मैच करो, है ना। ये क्या है ये? आप भले बोला था, इस अक्षर को आप थोड़ा सोचो और बोलने की कोशिश करो। ये क्या है ये? अ, ये क्या है ये? आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, है ना।
अब हम यहाँ पर चित्रों को जोड़ अक्षरों को पहचान कर चित्रों से जोड़ेंगे, है ना। देखो पहला कौन सा चित्र है, ये ई से इमली। इमली कैसे खाते हैं बच्चों, खट्टा खट्टा और खाने में भी मजेदार है। तो जोड़ो आप ई से इमली, ये क्या है बच्चों। अ से अनार, है ना। अनार कैसे रहता है, लाल रंग का रहता है ना। आप लोग खाते हो ना अनार, इसे खाओ, फल खाने से आपको। अब ये क्या है नेक्स्ट चित्र, ऊ से उल्लू। क्या ये, ऊ से उल्लू। और ये क्या बच्चों, आपका मन पसंदीदा आम। आम क्या होता है इंग्लिश में, मैंगो। मैंगो को जोड़ो। ये क्या है, ये ई से ईक, है ना, गन्ना। ईक क्या होता है, हरेक शब्द गन्ना। और ऊ से ऊन, है ना, ऊ से ऊन। और री से ऋषि, है ना, री से ऋषि। क्या है ये, पहले और एक बार बोलूंगी आपको, सब लोग देखो यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखो। चित्र पहचानो, चित्र पहचानो और उनकी पहली आवाज से मिलाओ। देखो मैं यहाँ पे चित्र का उच्चारण करूंगी, आप बोलो उसका कौन सा अक्षर है उनके। इमली, क्या ये इमली, तो कौन सा अक्षर आता है यहाँ पर, ई अक्षर आता है। कौन सा अक्षर था बच्चों, ई, है ना। नेक्स्ट दूसरा अक्षर क्या है, कौन सा शब्द का उच्चारण करूंगी मैं अभी, इसका अनार। अ से अनार, तो किसका उच्चारण आ रहा है, पहला अक्षर अ का उच्चारण आ रहा है, अ का आवाज आ रहा है ना। इसके अर्थ में क्या हो रहा है, ई का आवाज आ रहा है, इसमें अ का आवाज आ रहा है। और ये क्या है, ऊ से उल्लू, है ना। उल्लू तो क्या, आउल, है ना। अब तो ज्यादातर उल्लू को रात में देखने को मिलेगा, सवेरे तो आपको दिखेगा नहीं। ऊ से उल्लू तो क्या, आउल, है ना। अब कौन सा अक्षर का उच्चारण आ रहा है, इसमें ऊ का उच्चारण आ रहा है। एक क्या है ये, आ से आम, आम का उच्चारण। अ से क्या रहा है, उच्चारण आ का आवाज आ रहा है। अ से अनार, आ से आम। एक क्या है ये, ईक, ईक बोलते क्या, गन्ना। गन्ना खाते हो ना आप लोग, है ना, गन्ने का रस भी आप पीते हो, तो उसका उच्चारण है बड़ा ई का उच्चारण, ई से ई। एक क्या है भीम, ऊन, ऊन क्या, ऊन बोलते क्या, उलन। आप लोग करते हैं उससे केयर बेटर वगैरह बनाते हैं आपकी मम्मा, उसको क्या बोलते हैं, ऊ से ऊन। ऊन में कौन सा अक्षर का उच्चारण आ रहा है, ऊ का अक्षर का उच्चारण आ रहा है। री से ऋषि, है ना, री से ऋषि। अब हम इस अक्षरों को और एक बार दोहराएंगे और आपको मैं और एक बार अक्षरों को पढ़ाऊंगी। क्या है पहला अक्षर, स्वर, क्या ये, अ, क्या है बच्चों, अ। नेक्स्ट आ, क्या ये, आ, छोटा ई, बड़ा ई, और छोटा उ, बड़ा उ, और ये री, है ना। और एक बार दोहराओ मेरे साथ, आप भी बोलो, स्वर क्या है बच्चों, ये स्वर, अ आ ई ई ऊ ऊ री, है ना। इतने सारे अक्षर आपने पढ़ा है ना, उसके आप इसके अक्षरों को आवाज से पढ़ेंगे और
इसके चित्र के आवाज से हम पहचान, चित्र पहचान कर उसकी आवाज से हम इसको पढ़ेंगे ना। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि। बच्चों और इसके आगे के अक्षरों को मैं अगले क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।